को श्री राम जन्मभूमि का भूमि पूजन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी कारण से जो है आज अयोध्या का बहुत काफी ढंग से डेवलप हुआ है, बहुत अच्छी भीड़ भाड़ चल रही है, यात्री भी बहुत आ रहे हैं, रोड हर जगह चौड़ी हो गई है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सब कुछ चल रही है, दर्शन भी भगवान का चल रहा है, व्यापार में वृद्धि बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, बहुत अच्छी वृद्धि हुई है, जिसका मकान टूटा उसको पैसा भी मिला है, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा सुंदर। आज का दिवस जो है वह गौरवपूर्ण है, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सबके लिए आनंदमय का दिन है, क्योंकि आज जो है एक धार्मिक मुक्ति का यह दिवस है और इस दिन जो है लगभग 550 वर्षों का जो प्रतीक्षा थी वह समाप्त हुई भूमि पूजन के रूप में और दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो इस दिन को जो है हम विस्मृत नहीं कर सकते। इस दिन जो है संत धर्माचार्यों के नेतृत्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और साथ साथ हमारे पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी उपस्थित रहे और इनके अलावा जो है श्री राम जन्म तीर्थ ट्रस्ट के हमारे जो अध्यक्ष हैं परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, महासचिव चंपत राय जी, ऐसे महानुभावों की उपस्थिति में जो है यह शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। यह हम सबके लिए गौरवपूर्ण बात है और हम सब इस दिन को मनाकर गौरवान्वित हो रहे हैं। आज अयोध्या व्यापक बदलाव हुआ है। अयोध्या में जिस प्रकार से तमाम तरह के आवागमन के साधन बढ़े, तमाम तरह के जो है निर्माण कार्य हुए, इससे जो है समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश गया है और समाज जो है लगातार अयोध्या की ओर आ रहा है। अयोध्या को अपने हृदय में पहले भी बसाया था और आज भी जो है वो व्यापक हो चुका है। तो मुझे लगता है इस 400 वर्षों में विकास के साथ साथ धार्मिक जो एक वातावरण वो भी कहीं ना कहीं मजबूत हुआ है। बहुत बदल गई अयोध्या 4 साल में, इतनी बदल गई कि यहाँ वाले भी उसका अवलोकन नहीं कर सकते। इतनी सुंदर अयोध्या, साफ सुथरा अयोध्या, इतनी क्लीन अयोध्या, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें अयोध्या में, रोज पब्लिक आ रही हैं, रोज यात्री आ रहे हैं। पहले कभी कभार 3 महीने मेला होता था, रोज मेला हो रहा है, इस समय काफ़ी भीड़ होती है। हाँ, 4 साल हो गया, आज के दिन भूमि पूजन हुआ है, जब से हुआ तब से यहाँ पर काफ़ी विकास हो रहा है, व्यापार में भी वृद्धि हो गई, चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई हैं, सब व्यवस्था अच्छी हो रही है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सन है और अयोध्या बदली बदली है, त्रेता युगी अयोध्या दिखाई दे रही है। कुछ दिनों में अयोध्या ऐसा लगेगा कि जैसे यह अयोध्या अयोध्या भूमि में नहीं है बल्कि वह युग में रहा, जिस युग में यह अयोध्या रही वह भव्य दिव्य वो दिखाई देगा, लोग देख करके प्रसन्न होंगे और साथ साथ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनका दर्शन लोग कर रहे हैं। अब केवल अयोध्या को संवारने की बात चल रही है, जो उसका प्रस्ताव आ गया है वो चल रहा है, राम पथ बन गया, इसे और जितने पथ हैं। जी हाँ, आज ही के दिन भूमि पूजन किया था और उस वह इतना सुंदर और शुभ मुहूर्त रही कि वह आगे चल कर के प्रगत किया। 4 साल में ही बहुत कुछ अंतर हुआ और आगे भी ऐसा होता रहेगा। कहते हैं अयोध्यावासी कितनी बदली है। जय सिया राम। अयोध्या बदली ही नहीं, अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर हो गई है। जैसे सभी लोगों ने इसका वर्णन किया है, अति प्रेम यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, लोक वेद विदित सब जाना, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यद्यप करके भगवान श्री राम को वैकुंठ प्रिय है लेकिन अयोध्या वैकुंठ से भी प्रिय है। उसी तरह से अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संवारा है, जिस तरह से सजाया है, भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद स्वयं उन्होंने भगवान भूमि पूजन किया और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी करी, तो निश्चित रूप से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए, हिंदू जनमानस को मानने वाले लोगों के लिए, संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री गौरवशाली हैं और गौरवान्वित करने वाले हैं भारत देश को। निश्चित रूप से मैं निवेदन करता हूं पुनः सारे लोगों से कि ऐसा प्रधानमंत्री मिलना दुश्वार है। यदि आप लोग अपना जीवन संवारना चाहते हैं तो इनका सहयोग कीजिए, इनका साथ दीजिए। जय सियाराम।